कोविड-19 के चलते कटरा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर फिलहाल रोक है। कटरा में शालीमार पार्क भी बंद है, फिलहाल बंद रखा गया ताकि लोग वहां पर टहलने ना आए। और इसी बीच ओम गुप्ता जी ने बताया कि जून महीने में कटरा में हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ ही नजर आती थी। लंबी लंबी कतारें में खड़े होकर यात्री यात्रा पर्ची हासिल करते थे और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते थे, परंतु कोविड-19 की वजह से यात्रा पर फिलहाल रोक है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार से अपील की है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोकल लोगों को माता के दर्शनों के लिए जाने दिया जाए। कटरा से ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए रोहित शर्मा की रिपोर्ट। के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर कटरा वैष्णो देवी के अंदर यात्रा जो है शुरू की जाए, ताकि कटरा वैष्णो देवी की जितनी दुकानें हैं, जितने होटल्स हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने भी यानी शॉप्स हैं, सभी लोग बेकार हो गए हैं। सभी की दुकानें ताले बजे हैं, कोई किसी का यहाँ पर कारोबार नहीं चल रहा है। यात्रा चलेगी तभी जाके कटरा वैष्णो देवी के लोगों की दुकानें खुलेंगी, फिर जाके इन लोगों का चूल्हा चलेगा। मेरी सरकार से विनती है जल्दी से जल्दी कटरा वैष्णो देवी के अंदर यात्रा शुरू की जाए और कटरा वैष्णो देवी के बारे में अच्छी तरह सोचा, और लोकल लोग जो हैं हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के, उनको कटरा वैष्णो देवी माँ के दरबार जाने की आज्ञा दी जाए, ताकि माता रानी के जाके ऊपर माता रानी से मनोकामना हम लोग मांगेंगे। जय माता दी। अपनी मांगों को लेकर कटरा में पीएचई दफ्तर में कार्य करने वाले पीएचई के अस्थायी कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 50,000 रिक्त पद भरने को लेकर स्वागत करती है, परंतु सरकार द्वारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत 10,000 नई नौकरियां देने की घोषणा की, परंतु इसमें स्थायी कर्मचारियों के लिए मात्र 5 अंक रखे गए हैं, जिसको लेकर स्थायी कर्मचारियों को ना के बराबर ही नौकरियां मिलेंगी। लिहाजा सरकार आदेश जारी कर स्थायी कर्मचारियों के लिए 10% का अलग से कोटा रखे, ताकि स्थायी कर्मचारियों को नौकरी मिल सके। कटरा से ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए रोहित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।